तो चलिए दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल की नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टिप्स जो बच्चे नए जिम जा रहे हैं वो क्या करें और क्या ना करें। आप इसको एज अ डूज एंड डोंट भी ले सकते हो एंड इसको आप एज अ टिप भी ले सकते हो कि आपको अगर आप नई नई जिम स्टार्ट किया तो आप क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं अभी आपको फर्स्ट वीक के लिए बता रहा हूँ, ये एक सीरीज रहेगी जिसमें आपको पहले तो इस वीडियो में आपको फर्स्ट वीक के बारे में बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड वीक के बारे में बताऊंगा, फिर फोर्थ वीक के बारे में, फिर एट्थ वीक के बारे में और फिर थर्ड मंथ के बारे में। सो फर्स्ट वीक आप गए जिम, काफ़ी जिम्स में क्या होता है कि जो कोचेज होते हैं वो आपको आते ही बोल देते हैं कि आप डेडलिफ्ट मारिए, कंपाउंड मारिए, स्क्वाट्स मारिए, लिफ्ट्स लीजिए, बट ऐसा नहीं है। जब आप जिम जा रहे हैं आपकी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल भी बोलते हैं ना, अगर आप किसी स्पोर्ट में फिर भी आपकी मसल थोड़ी सी एक्टिव रहती होंगी दिन में, बट अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे लास्ट 1 to 2 years तो आपकी मसल बिल्कुल रेस्ट पे, तो अगर आप जाते ही कोई हैवी एक्सरसाइज करेंगे, हैवी प्रेस मारेंगे तो आपकी जो मसल है वो बिल्कुल अकड़ जाएगी, आप अगले दिन उठ भी नहीं पाएंगे और उस मसल को आप खिला भी नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट वीक में क्या करना है, ट्राई टू डू मिक्स एक्सरसाइजेज। मिक्स एक्सरसाइजेज मीन्स कि आपको रैप्स कम रखने हैं, रैप्स ज़्यादा रखने हैं और जो वेट है वो लाइट रखना है। मीन्स आप चेस्ट प्रेस मारना स्टार्ट कर दो 5 किलो के डंबल से, 5 किलो से मारो, जितनी आपसे निकलती है उतनी मारो। तो फर्स्ट वीक में यही कंटिन्यू करो और अवॉइड करो कि कंपाउंड वेट्स मारना। कंपाउंड्स में क्या आ जाते हैं, आपके स्क्वाट्स आ जाते हैं, आपका बेंच प्रेस आ जाता है, आपका प्रेस आपका हर एक में, शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, हर एक में जो ये हैवी लिफ्ट्स आ जाती हैं, डेड लिफ्ट आ जाती हैं, ये कंपाउंड्स में आते हैं, इनको अवॉइड करो क्योंकि अभी आपकी मसल इतनी कैपेबल नहीं है कि वो कंपाउंड मार सके और हैवी लिफ्ट्स ले सके, तो ब्लैकआउट का काफ़ी खतरा रहता है इस चीज़ में। और इस टाइम आपकी डाइट भी वैसी नहीं होती कि आपको एनएफ एनर्जी मिले आपकी डाइट से, आप सब अभी जो फैट्स वगैरह ही ले रहे होंगे वो भी अननेसेसरी फैट्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फर्स्ट वीक ऑफ जिम में आप बिल्कुल भी ये मत करिएगा कि आप डंबल को पकड़े ही नहीं, बट डंबल पकड़िए बट मिक्स लगाइए और हर दिन लेग्स भी लगाइए, चेस्ट भी लगाइए, बाइसेप भी लगाइए, ट्राई भी लगाइए, बैक भी लगाइए, बट कंपाउंड्स को अवॉइड करिएगा, थोड़ी डेडलिफ्ट अवॉइड करिएगा, शोल्डर प्रेस अवॉइड करना, स्क्वाट्स अवॉइड करना, चेस्ट प्रेस अवॉइड करना, तो ये सबको थोड़ा अवॉइड करना और फर्स्ट वीक में मिक्स लगाना। मतलब कि आपका फर्स्ट वीक ऐसा होना चाहिए कि जब आप सेकेंड वीक में आप प्रेस मारना शुरू करो तो आपको कोई भी मसल पर स्ट्रेच वगैरह ना आए, कोई भी मसल आपको पेन ना दे, आप ऐसे ही एक्सरसाइज करो। तो दोस्तों, ये था हमारी इस वीडियो का बारे में, जिसमें मैंने आपको रूल्स एंड डोंट्स और टिप्स दोनों बताया कि अगर आप न्यू जिम ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।